हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, और ये चैप्टर नंबर 9 क्या है? विशेषण है, ठीक है ना? क्या है? विशेषण के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिनका नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार, इन्होंने मुझे पे किया था 100 रुपीज़, ठीक है ना? कल ही पे किया था। कल कौन सा डेट था आपका? 8 अक्टूबर था, ठीक है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार से। चलिए अब अगला हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए विशेषण, विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के हैं, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उनके गुण के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण के देखिए कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जिन वस्तुओं को गिना नहीं बल्कि नापा तौला जाता है, उनके लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो जिनको नापा नहीं जाता, गिना नहीं जाता बल्कि नापा जाता है, तौला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लीटर तेल लाओ, ठीक है ना? 5 लीटर तेल लाओ, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो 5 लीटर है, 5 लीटर आपका क्या है? 5 लीटर है आपका परिमाण। क्या होता है? परिमाण, ठीक है? जैसे कि 4 मीटर कपड़ा दो, ठीक है? 8 मीटर कपड़ा दो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो भेद होते हैं इसके, परिमाणवाचक के 2 भेद भी होते हैं। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में जैसे 4 किलो मुझे चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए। लेकिन अनिश्चित जो होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा धनिया दे दो, थोड़ा सा कुछ दे दो। तो ये वाला क्या है? ये अनिश्चित है, यानी कि इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं, ठीक है? जो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने निश्चित परिमाणवाचक में मांगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 किलो दाल, यानी कि आप दाल अगर आपको चाहिए तो आपको 4 ही किलो चाहिए, यानी कि वो क्या है? निश्चित है, वो फिक्स है। कितना? 4 किलो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। चलिए अब इतना हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बल शब्द से बने विशेषण शब्द के लिए क्या? देखिए बल से जो विशेषण बनेगा वो बलवान भी होगा, बलशाली भी होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या से पहले लगने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो देखिए संख्या से लगने वाले जो विशेषण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है? जो संज्ञा शब्दों के जो सर्वनाम, देखिए जो सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर अपन उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तो जैसे हो गया एक दर्जन के लिए, ठीक है ना? परिमाण यानी कि इसको नापा तौला जाएगा, एक दर्जन, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मिल दिया पीली कमीज, ठीक है ना? तो कमीज क्या है? कमीज देखिए ये क्या है? आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये तो पीला क्या हो जाएगा?
विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन जिस शब्द की विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमीज की, तो कमीज शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है 7 नंबर, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं। तो देखिए विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम कहते हैं प्राविशेषण, क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो सर्वनाम की भांति जो विशेषण प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अर्जुन बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है। इसमें जो विशेषण है बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है, उसकी क्वालिटी है, अनुज की क्वालिटी है कि बुद्धिमान है, ठीक है, तो क्या जाएगा, गुड़ हो जाएगा। गुड़ का मतलब ही क्या होता है आपका, गुणवाचक, ठीक है, इसकी क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण होगा आपका बुद्धिमान शब्द। अब देखिए जैसे कि अच्छा, अच्छा शब्द है, ठीक है, सुंदर, मीठा, तीखा, खट्टा, ठीक है, परिश्रम, परिश्रमी, ठीक है, तो ये सब, ये किस टाइप के शब्द है, ये सब आपके गुणवाचक क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। जैसे कि यह फल बहुत मीठा है, तो फल क्या है, फल की क्वालिटी बताई जा रही है कि फल मीठा है, ठीक है ना। वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो मतलब उस लड़के की बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक है। अब आते हैं 10 नंबर पे, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं तो उसमें से क्या हो जाएगा, जैसे कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्या है, जैसे कि कुछ हो गया, शब हो गया, थोड़ा सा, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक हैं। 11 नंबर, यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, इसका सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, तो इसका सार्वनामिक विशेषण होगा यह, ठीक है ना, यह, वह, ये सब इस तरीके से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के पहले ये लगा हुआ है। अगला, सड़क पर सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो सड़क पे जो सफ़ेद घोड़ा है, तो घोड़ा शब्द यहाँ पे क्या है, तो घोड़ा शब्द यहाँ पे है विशेष, क्या है, विशेष, ठीक, क्योंकि देखिए घोड़ा आपका नाउन है, नाउन यानी कि संज्ञा है, संज्ञा के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विशेषण, घोड़ा कैसा है, सफ़ेद है, तो घोड़े की क्वालिटी क्या है कि वह सफ़ेद रंग का है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं इनका दूसरा नाम भी होता है, कौन सा, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं किसे, सार्वनामिक विशेषण को। क्वेश्चन नंबर 13, 3 बच्चे बात कर रहे हैं, तो 3 बच्चे में कौन सा है, ये किस तरीके का, तो ये है ना आपका निश्चित संख्यावाचक, क्या है, निश्चित संख्यावाचक। अगला है 14 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है 5 लीटर, तो 5 लीटर क्या होगा, पानी, यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर। सुहाना क्या होता है, मौसम होता है, 1 नंबर। ऊंची इमारत है, 2 नंबर। अस्वस्थ व्यक्ति यानी कि 4 नंबर, तो 3 1 2 4 बन रहा है आपका, ये ऑप्शन किस में है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं, तो इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे क्या है, कुछ शब्द, क्या है, कुछ शब्द, तो कुछ शब्द क्या है, कुछ तितली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, K1 2। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, जो भी लोग मुझे पैसे सेंड करते हैं मैं उनका नाम बोलता हूँ, और आपके जो पैसे होते हैं उनसे मैं बुक्स खरीदता हूँ, ठीक है, बुक्स ऑर्डर करता हूँ और उन्हीं बुक्स से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरा QR कोड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वहाँ से स्कैन करके पैसे सेंड कर सकते हैं। यह है दोस्तों मेरा QR कोड, आप इसे अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं और मेरे अकाउंट में जो भी पैसे आप सेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आपका मन करता है तो ही आप प्यार से करिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, चीज़ें फ्री ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपका मन करता है, अपनी इच्छा से करता है, तो ही आप करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।